ग्रैंड एक्सेल 6 के तो हमने काफ़ी मॉडिफिकेशंस देखे, बट दो जनरल मॉडिफिकेशन है जो नेसेसरी है अगर एक एक्सेल 6 आज आपने खरीदी है, ये 10 अपग्रेड्स, ये 10 चीज़ें जो आपको आपकी एक्सेल 6 में लगानी ज़रूरी है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फॉग लाइट से। राजस्थान उदयपुर से ये गाड़ी हमारे पास आई हुई है, महाराष्ट्र नवी मुंबई, क्योंकि एक्सेल 6 के वीडियोस के ऊपर जो आप लोग ने रिस्पांस दिया है, ये गाड़ी में हेडलाइट को अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फॉग लाइट जो लग के आती है उसकी भी रोशनी काफ़ी लिमिटेड है, उसको रिप्लेस करके जो प्रोजेक्टर फॉग लाइट हमने लगाई है, इस प्रोजेक्टर का फोकस देख सकते हैं कि कितना बढ़िया एंड दूर तक है। इसकी लेंस को हम मैन्युअली सेट भी कर सकते हैं। इसकी सेटिंग का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट दोनों ही लेंस को आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके फोकस को, इसकी बीम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर फॉग लाइट ये गाड़ी के अंदर हमने इंटीग्रेट की है। DRLs जो लग के आती हैं कंपनी से वो काफ़ी छोटी आती है, शॉर्ट इन साइज़ आती है। उस DRL के ऊपर एक और DRL हमने इंटीग्रेट की है जो ऑन होने पे एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होती है। प्लस जो हमारी फॉग लाइट है उसमें डुअल मोड का कॉन्सेप्ट है, वाइट लाइट भी आपको मिलती है, बट जब फॉग में आपकी गाड़ी ट्रैवल करेगी तो एक येलो बीम भी उसके अंदर दी हुई है। इसकी रोशनी भी आप लोग देख सकते हैं, एक फॉग लाइट, दूसरी ये DRL, तीसरी रिफ्लेक्टर लाइट जो पीछे ब्रेक मारने पे इल्यूमिनेट होती है, या रिफ्लेक्टर का भी जो एक इंट्रोडक्शन है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये ऑन होती है तो एक ब्यूटीफुल स्कैनिंग पैटर्न के साथ ऑन होती है। ये 3 लाइट के अपग्रेड्स हैं एंड 2 कॉस्मेटिक चेंजेस हमने किए हैं। ब्लू कार को जैसे कि हमारे बाकी के भी वीडियोस में हमने देखा है, द साइड टर्न इज़ इन द सिल्वर, क्योंकि वाइट गाड़ी अगर ब्लैक के साथ अच्छी दिखती है तो ब्लू गाड़ी को सिल्वर थोड़ा सा हाईलाइट देने से, इसकी रूफ रेल ऑलरेडी सिल्वर आती है, साइड में ये टच सिल्वर कंपनी देती है, थोड़ा सा जो टर्निंग पे हमने किया हुआ है ये करने से जो मेरी गाड़ी का लुक है टोटली एक चेंज हो जाता है। तीसरा उसके अंदर ये हो जाता है, चौथा हमारा सिल्वर रैपिंग एंड 5th हमारे फुल क्रोम के डोर वाइज़र शोरूम से लगे हुए ही थे बट एक बार फिर से छोटे थे, उनको रिप्लेस करके ये फुल क्रोम के जो हमने लगाए हैं ये लेंथ में बड़े आते हैं। प्लस ब्लू गाड़ी पे इसका हाईलाइट जो एक उठ के आता है, गाड़ी लंबाई में लंबी दिखती है। दीज 5 चेंजेस वी हैव मेड इन द कार फ्रॉम द एक्सटीरियर लुक एंड 5 चेंजेस वी हैव मेड इन द कार इन द इंटीरियर लुक, बट द पर्शियन ग्रीन कलर इंटीरियर is once again done in the XL6 car with the seat covers of the Top Gear brand with the multiple cushionings. ये seat covers की fitment देख सकते हैं। एक तो हमारी गाड़ी में airbag आता है तो airbag की लिए proper ये functioning आती है। दूसरी जो floor mat है वो भी Top Gear brand की आती है जो seat cover से matching color में हमने लगाई है। पाँव इसके ऊपर रखना है, कचरा वगैरह जो भी जमा होता है, द अपर लेयर इज डिटैचेबल। इसका आगे का रो, इसका जो मिडल रो है, रो की भी एक प्रीमियम लुक, एक फिटमेंट, एक फिनिशिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। तीसरा, इसके दरवाज़ों को भी सॉफ्ट टच लेदर वर्क हमने किया है जो हमारे सीट कवर से मैचिंग कलर में है, पर्शियन ग्रीन कलर में। चौथा, इसके डैशबोर्ड को भी हमने पर्शियन ग्रीन का टच दिया है, द कंप्लीट डैशबोर्ड हैज़ बीन लेदर रैप्ड इन द पर्शियन ग्रीन कलर, ग्रीन ब्लैक उस पर वाइट स्टिच, एक फिनिशिंग एंड फिटमेंट देख सकते हैं। एंड फाइनली जो है हमारा स्टेयरिंग भी जो है वो पर्शियन ग्रीन एंड वाइट कलर में लेदर रैप्ड है। ये 5 चेंजेस आपकी गाड़ी के अंदर हम करते हैं, स्टेयरिंग के साथ साथ एयरबैग के साथ जो एक लुक मिलता है मेरी गाड़ी को टोटली डिफरेंट है। इन एडिशनल टू दैट इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी जो लग के आती है कंपनी से, मार्बल फिनिश आती है, आधी आती है, 1, 2, 3 और उधर का 4 ही पीस लग के आते हैं, उसको रिप्लेस करके द स्टोन एडिशन 10 पीसेस इंटीरियर स्टाइलिंग किट इसमें हमने लगाई है। ग्रीन के साथ स्टोन का जो एक कॉम्बिनेशन है आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से है। बाकी एलॉयज ये गाड़ी में 16 इंच के ही आते हैं,
बाकी जो हम ग्रैंड एक्सेल 6 देखते हैं उसमें 17 इंच के आते हैं। टेल लाइट ये गाड़ी में नॉर्मल ही कंपनी देती है, वो भी हम ग्रैंड एक्सेल 6 में देखते हैं कि जो कनेक्टेड वाली आती है वो तो शौक की बात हो जाती है, बट ये जो 10 चीज़ें हमने आप लोगों को बताई है ये नेसेसरी है, ज़रूरी है अगर आज आपने गाड़ी ली है तो। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड सर भी हमारे साथ में हैं, बहुत दूर से एक लंबा सफ़र तय करके हमारे पास आए हैं। सर के ब्रदर भी हमारे साथ में हैं, हम सबका वेलकम करते हैं राजस्थान से। कैसी गाड़ी सर आई थी और कैसी अपनी हो गई है, क्या बोले? मैंने बहुत अच्छा काम हुआ है अभी। अंदर से कैसा लुक आ रहा है? इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से भी दादा कैसी हो गई? ब्लू एंड सिल्वर अच्छा है, जो हम सोच के आए थे उससे ज़्यादा करा लिए हैं। बराबर है कि नहीं? शुक्रिया है आपको, आप एक वीडियो देख के हमारा आए हैं कि ग्रैंड एक्सेल 6 तो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, बट 10 नेसेसरी अपग्रेड जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, प्लस जो पूरी गाड़ी के ऊपर एक शाइन है, एक सेरामिक कोटिंग हमने की है, क्योंकि नेक्सा ब्लू ये जो कलर है बहुत बढ़िया कलर है, इसकी एक चमक है जो थोड़े दिन के बाद फेड ऑफ हो जाती है, बट अगर एक सेरामिक कोट हम करते हैं, आप लोग देख सकते हैं डस्ट वगैरह जरा भी इसके ऊपर रुकेगी नहीं, प्लस जो एक स्पार्कलिंग इफ़ेक्ट है वो हमको इसके अंदर मिल जाता है। सेरामिक कोटिंग भी ये गाड़ी के अंदर हमने की है। द शाइन एंड द ग्लॉस इन द कार इज़ बिकॉज ऑफ द सिरामिक कोटिंग। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।